हेलो गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आप सभी को हैप्पी रथ यात्रा। हालांकि आज रथ यात्रा का जस्ट नेक्स्ट डे है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरा ऑल ऑफ ए सडन मेरा थोड़ा बैक पेन चालू हो गया था, मतलब थोड़ा स्प्रेन टाइप का हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि अभी 3 महीना तक मेरे को बाइक चलाना और कार चलाने के लिए मना किया है। मतलब चला सकते हो लेकिन धीरे धीरे चलाने के लिए बोला है ताकि कोई मतलब प्रेशर ना गिरे कमर पे, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा बेड रेस्ट लिया हुआ था, तो इसलिए 3-4 दिन तक मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मैं ऑफिस रिजॉइन कर रहा हूँ तो मैं सोचा कि चलते चलते ब्लॉग भी बना दूँ। अभी थोड़ा रास्ता का व्यू एंजॉय करो, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बात यह है कि मैं एक्चुअली थोड़ा प्लान कर रहा हूँ गाड़ी को और थोड़ा अपग्रेड किया जाए, जैसे कि थोड़ा मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एग्रेसिव लुक करूँ। मतलब इसका जो लुक्स है और थोड़ा कैसे थोड़ा एनहांस हो सके, मतलब एग्रेशन थोड़ा रहे, या फिर थोड़ा आप बोल सकते हो कि थोड़ा गैंगस्टर लुक टाइप का देने का सोच रहा हूँ। वैसे तो मेरा गाड़ी जो है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का ही है, उसका अलॉय व्हील से लेके कैलीपर से लेके टेल लैम्प सब कुछ पूरा उसी हिसाब से है, लेकिन मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा और एग्रेशन लुक कैसा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसका जो फ्रंट का जो हेडलाइट्स है और उसका फॉग लैम्प है उसको भी स्मोकी कलर कर दूँ, या फिर उसमें क्या बोलते हैं रेडियम का जो आता है फिल्म वो चढ़ाने का सोचा। जैसे कि मेरा फ्रंट विंडशील्ड जो है सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट का है, उसका रेडियम टाइप का आपको अलग अलग कलर का दिखता है दिन में या फिर रात को लाइट के हिसाब से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उसका जो फ्रंट का जो हेडलैम्प है वो भी मैं करूँ। मैं उसको थोड़ा क्लोज से आपको दिखा देता हूँ तो आप समझ जाओगे। ये जो पार्ट है मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा स्मोकी का लुक दे दे, एंड ये जो जगह है इसको भी थोड़ा स्मोक का लुक दे दूँ। और ये जो फ्रंट का जो ग्रिल है क्रोम वाला उसको मैं सोच रहा हूँ उसको मैट फिनिशिंग या फिर ग्लॉसी ब्लैक करा दूँ। ये दोनों, ये जो स्माइली ग्रिल है ये भी क्रोम जो है उसको भी ब्लैक कर दूँ, ये भी ब्लैक कर दूँ मैं सोच रहा हूँ। और सोच रहा हूँ थोड़ा नंबर प्लेट को और थोड़ा डिसेंट वाला लगा दूँ। नंबर प्लेट का इतना कन्फर्म नहीं है लेकिन बाकी ये सब मैं अपग्रेड करने का भी सोच रहा हूँ। तो मैं जो अपग्रेड करने वाला हूँ, अगर कोई अपना गाड़ी में वैसा किया है तो मेरे को थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ कि रात को ड्राइविंग करने में कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैं थोड़ा यूट्यूब में रिव्यूज़ भी चेक किया हूँ कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन पता नहीं वो तो कैमरा भी पता नहीं जज कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब में जो भी वीडियो बना रहे हैं तो फिर वो कैमरा से ही रिकॉर्ड करके बता रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकली किया है अपना गाड़ी में ये सब काम तो मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताओ, या फिर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर है जो जिसका कि आउटलेट है रैपिंग का या फिर स्टिकरिंग का, तो वो मेरे को और थोड़ा अच्छा से बता सकते हो। तो कमेंट करके मेरे को बताना कि ये करना एडवाइजेबल है या नहीं है वो भी बताओ, और करने के बाद कैसा दिखा। तो अगर वो मैं करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये था जो मैं जो फ्रंट का जो हेडलाइट के बारे में सोचा वो काम करवाने का। इसको छोड़ के और कुछ अगर अपग्रेड आप चाहते हो मैं अपना गाड़ी में करूं तो कमेंट करके बताओ, फिर मैं देखूंगा वो कितना दूर पॉसिबल है, फिजिबल है मेरे लिए करना, तब मैं करने का सोचूंगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी शॉर्ट ब्लॉग रहेगा मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूज हूँ क्या अपग्रेड करूँ क्या ना करूँ, क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्यों बाकी इससे पहले मैं अपना गाड़ी में जो भी किया हूँ उसके बारे में मेरा अराउंड 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, लेकिन हेडलाइट्स को लेके मैं कुछ छेड़खानी नहीं किया हूँ। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सजेशन चाहिए। तो होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नया कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर। बाय बाय। It's not a game, it's a